एक बार सभी देव असुरों के अत्याचार से परेशान होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे विश्राम कर रहे थे। तब सभी देवों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों और पृथ्वी पर हो रहे संकटों के बारे में भगवान विष्णु को बताया। तब भगवान विष्णु ने देवों के देव महादेव की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बोला। तब सभी देवों ने विष्णु जी से पूछा, प्रभु हम महादेव को प्रसन्न कैसे करें? तब भगवान विष्णु ने बताया, हम त्रिदेवों की उत्पत्ति ओम से हुई है और इस ब्रह्मांड का सार ओम से ही है। आप सभी ओम मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा और नियमित रूप से करो, महादेव अवश्य ही असुरों का संहार करेंगे। सभी देवों ने ऐसा ही किया और अंत में महादेव ने प्रकट होकर देवताओं और पृथ्वी को असुरों के अत्याचारों से मुक्त किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल फैक्ट्स की पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओम मंत्र का रहस्य और इसकी उत्पत्ति के साथ साथ इसकी शक्तियों के बारे में बताऊंगा। कैसे ये एक अक्षर का मंत्र आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इस एक अक्षर के मंत्र से आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के रोग दोष मुक्त तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसे धन दौलत व्यापार में तरक्की भी मिलती है। जो लोग जॉबलेस हैं, जिन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए ये मंत्र किसी वरदान से कम नहीं है। ये मंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जिसका जाप साधक कर ले उसे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान भी उससे धीरे धीरे सहमत होता नजर आ रहा है। अमेरिका की संस्था नासा ने सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की है, किंतु अपने कानों की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, किंतु सूर्य से रिकॉर्ड की गई आवाज की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इसलिए नासा ने उसे कॉम्प्रेस करके सुनने की चेष्टा की। उन्होंने जब वह आवाज सुनी तो उन्हें आश्चर्य का बड़ा धक्का लगा। वह आवाज भारतीय मंत्र ओम की थी। नासा के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया कि हजारों वर्षों पूर्व जब साइंस भी नहीं था, तब भारतीय योगी ऋषि मुनियों ने इसका शोध कैसे लगाया, जबकि इस आवाज की क्षमता अपने कानों की ग्रहण करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा है। ओम मंत्र का उच्चारण करने से ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा रिसर्च स्टडीज से सिद्ध हो गया है कि पुरातन जमाने से योगी ऋषियों ने जो दावा किया है कि ओम नाम जाप करने से व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिलती है, उदासी दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, साथ ही मनुष्य के जीवन में खुशी और सफलता का रास्ता भी खोलती है। ये सभी बातें सत्य हैं। ओम ऐसा मंत्र है जिसमें जीवा का उपयोग नहीं होता। गुंगा भी ओम मंत्र का जाप कर सकता है, जिसमें जरा भी संदेह नहीं है। ओम का अर्थ क्या है? ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। यह समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर का विस्तृत रूप है। दृश्य ब्रह्मांड ईश्वर के कातिप्य गुणों को प्रदर्शित करता है। ओम से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। ओम शब्द तीन अक्षरों से बना है, आ ओ मा। इन तीनों अक्षरों से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आ शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है, उ शरीर के मध्य भाग यानी छाती के पास कंपन करता है, मा शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन करता है। ओम मंत्र के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य में सब ओम शब्द ही गूंज रहा है। दोस्तों, समय और काल दोनों में भेद है। समय शादी और शांत होता है, किंतु काल अनादि और अनंत होता है। समय की उत्पत्ति सूर्य की उत्पत्ति से शुरू होती है। वर्ष, महीने, दिन, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सभी समय के अंदर आते हैं, जबकि काल इन सबसे पहले से था और आज भी है। प्रकृति का विकृत रूप तीन काल के अंदर समझा जाता है। प्रकृति तीनों कालों से परे है, अतः उसे त्रिकालित कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं ऐसी ही फैली हुई हैं। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। ओम मंत्र को दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, उन सभी का केंद्र माना गया है। ओम मंत्र के उच्चारण मात्र से ही शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं। हमारे शास्त्रों में ओम ध्वनि के 100 से भी ज्यादा मतलब समझाए गए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन उससे निकली हुई ध्वनि शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टाइन भी यह कहकर गए थे कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था
और महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतरकर देखा तब कहा। इस मंत्र का प्रारंभ अंत नहीं, यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों का हाथ के संयोग के उत्पन्न ध्वनि नहीं। शरीर के अंदर बाहर हर जगह वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है। साधारण व्यक्ति उस ध्वनि को नहीं सुन सकता, लेकिन जो भी व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण करता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। उस ध्वनि को सुनने के लिए पूरी तरह से मौन और एकांत में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति उस ध्वनि को सुन लेता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का सबसे साधारण तरीका यही है, ओम का उच्चारण करते रहना। समस्त वेद शास्त्र ओम की ही उपासना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है, ओमित्य कांचरम ब्रह्म ओम इति कांचरम, अर्थात एक अक्षर शब्द ही ब्रह्म है। आकाश में बसा यह शब्द आ से आदि करता ब्रह्म, उसे संचालन करता विष्णु अथवा माँ से संहार करता महेश को बोध कराता है। ओम का नाद संपूर्ण जगत में उस समय दशों दिशाओं में व्याप्त हुआ था जब युगों पूर्व इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। उस समय इस सृष्टि की रचना हुई थी। प्रजापति संवर्त्र ताग्रे भूतस्य जातस्य पति रेखासित, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ होने के समय यह एक ब्रह्म नाद था। ओमकारो यस्य मूलम, वेदों का मूल भी यही ओम है। ऋग्वेद पत्र है, सामवेद पुष्प है और यजुर्वेद इसका इच्छित फल है, तभी इसे प्रणव नाम दिया गया है, जिसे बीज मंत्र भी माना गया है। ओम मंत्र का उच्चारण में केवल 15 सेकंड का समय लगता है, जिसका आधार 8+4+3 सेकंड के अनुपात पर माना गया है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ एवं म का उच्चारण ओष्ठ माना गया है। नाभि के समान प्राण वायु से एक ही क्रम में श्वास प्रारंभ करके ओष्ठों तक 8 सेकंड का समय लगता है और फिर मस्तक तक उ एवं म का उच्चारण करके 4+3 के अनुपात का समय लगता है और यह प्रक्रिया 15 सेकंड में समाप्त हो जाती है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामनम मोक्षितम चैव ओमकाराय नमो नमः। योगी पुरुष ओमकार का नाद बिंदु सहित सदा ध्यान करते हैं और इसका स्मरण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रणव का मन में स्मरण करके भक्त भगवान के किसी भी रूप में समाहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणव सर्ववेदेषु, अर्थात संपूर्ण वेदों में ओमकार मैं ही हूँ। समस्त ब्रह्मांड में किंचित मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ओम हूँ। सभी वेदों का निष्कर्ष, तपस्वियों का तप एवं ज्ञानियों का ज्ञान इस एकाक्षर स्वरूप ओमकार में समाहित है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है, उदाहरण के तौर पर कम हम गम हम आदि। इसी तरह श्रीम क्लीम ह्रीम हुम फट आदि ये सब एकाक्षरी मंत्र में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ होंठ तालु दांत कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन रिसाव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के रिसाव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। अब मैं आपको इस मंत्र की उच्चारण विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुबह प्रातः उठकर पवित्र होकर ओमकारम ध्वनि का उच्चारण करें। ओम मंत्र का उच्चारण पद्मासन अर्धमासन सुखासन ब्रजासन में भी बैठकर कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया, ओम का उच्चारण 15 सेकंड तक करना होता है 8+4+3 रेशो के अनुसार, जिसमें आपको ओ को 8 सेकंड तक नीचे से ऊपर की ओर खींचते हुए अंत में ओवर माँ को 4+3 सेकंड में मस्तिष्क पर ले जाकर छोड़ना है। इस मंत्र का उच्चारण 21 बार अपने समय अनुसार कर सकते हैं। इससे होने वाले लाभ, शरीर और मन को एकाग्रता करने में मदद मिलेगी, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ओम ही प्रथम बीज मंत्र है, अतः शिव ही सबसे प्राचीन तक देवीश्वर हैं, जिनके मुख से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो लोग भगवान शिव को नहीं मानते, उनसे नफरत भेदभाव रखते हैं, उनसे तो ब्रह्मा विष्णु भी प्रसन्न नहीं होते। ऐसी ही भूल माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने बिना भगवान शिव के यज्ञ करने की चेष्टा की थी, उनका भरी सभा में अपमान किया था। अंत में भगवान शिव के नाम की आहुति के साथ दक्ष का कटा हुआ सर यज्ञ में गिरकर संपन्न हुआ था। दक्ष प्रजापति जैसी भूल आप कदापि ना करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसी ही और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।